दोस्तों भलीकार दोस्तों तहां कदें यो सोचो आ त अंग्रेजी में इहो किए चेजे त मां हे को कम के खास टाइम खां करे रहे हां या ताए खबर आ त आई हैव बीन वर्किंग या आई वर्कड में छा फर्क है। इन वीडियो के दिसना रहो असा इन सवालन जा जवाब दिंदासी। मुझे नालो फराज बुगियो है। अज असा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जेके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी चेबो है सिखंदासी। प्लीज मुझे चैनल के सब्सक्राइब कयो एंड बेल आइकन के जरूर क्लिक कयो एंड गद लाइक एंड कमेंट भी कयो। अज असा दिसंदासी त प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस छाहे एंड किथे इस्तेमाल थिंदो यो ठंदो किए है एंड पो इन में जेके टाइम इस्तेमाल थिंदो है त किए थिंदो है पो असा दिसंदासी त इहो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खा किए फर मुख्तलिफ है आई आखिर में असा तहां के बुधाइंदासी त एडी केडी गलतियां हैं जेके तहां खा हन टेंस से इस्तेमाल में थी सगन थियो जे तहां यो सही तरीके सा न था समझो आई आखिर में सजी गाल के वरी कंक्लूड भी कंदासी। सो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस वो टेंस है जे में असा उहे गाली बुधाइंदा आयो जेके के खास टाइम का शुरू थियो आई अन्या हलन थियो कंटिन्यू हैं आई इन में टाइम जो है वो इस्तेमाल थींदो है फॉर या सिंस इस्तेमाल थींदो है एंड पो उन सा गड टाइम इस्तेमाल थींदो है या असा एडियो गाली बुधाइंदा है जेके स्टार्ट माजी में थियो अन्या हलन थियो एंड उनन जो कनेक्शन रिलेवेंस प्रेजेंट सा आहे या वरी एड़ा कम भी जेके माजी में स्टार्ट थिया हल्या एंड हाने हाने खत्म थिया हैं रिसेंटली खत्म थिया हैं पर उनन जो कनेक्शन उनन जो रिलेवेंस प्रेजेंट सा आहे एंड इस्तेमाल जा एग्जाम्पल्स ॾिसो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स या आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स शी हैज बीन वर्किंग एज अ टीचर सिंस शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज दे हैव बीन रिनोवेटिंग देयर हाउस फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। हाणे इहे सभु एक्शन अहिड़ा आहिनि जेके माज़ी में स्टार्ट थिया अञा हलनि था ऐं कंहिं ख़ासि टाइम खां हलनि था पिया ऐं सभिनी में तव्हां ॾिसो आहे टाइम जो इस्तेमालु थियलु आहे जीअं फॉर 3 आवर्स ठीकु आहे फॉर 10 ईयर्स सिंस शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज या फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। सो इहो वरी इंडिकेट करे थो त केतिरे ड्यूरेशन खां केतिरे टाइम खां इहो कमु थिए थो वेठो। इहो ठहंदो कीअं है इन में हैव इस्तेमालु थींदो आहे या हैज़ हैव असां इस्तेमालु कंदा आहियूं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सां जीअं आई हैव वी हैव या सेकेंड पर्सन भले प्लूरल जे लाइ इस्तेमालु कयो या सिंगुलर जे लाइ यू हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर सां माना ही शी इट सां हैज़ इस्तेमालु थींदो ऐं प्लूरल थर्ड पर्सन सां माना दे या बनाला उन सां गॾु दे हैव हसन ऐं मुर्तज़ा हैव ठीकु आहे बनाला आहिनि त इहो प्लूरल थी विया उन्हनि सां गॾु हैव इस्तेमालु थींदो ठीकु आहे ऐं पोइ वरी थींदो बिन इस्तेमालु बिन जेको आहे उहो बी जो पास्ट फॉर्म आहे पास्ट पार्टिसिपल आहे। हाणे इनखे बिन प्रोनाउंस थींदो आहे इनखे बीन कोन प्रोनाउंस कबो पर प्रोनाउंसिएशन जे बारे में असांखे ॿिए क्लास में ज़रूरु सिखंदासीं ऐं उन सां गॾु वरी फोर्थ फॉर्म लॻंदी जेके असां प्रेज़ेंट पार्टिसिपल बि चवंदा आहियूं या आई एन जी फॉर्म बि चवंदा आहियूं प्रेज़ेंट पार्टिसिपल प्लस आई एन जी फॉर्म इस्तेमालु थींदो ठीकु आहे। सो जेका हेव आहे इहो इंडिकेट करे थो प्रेज़ेंट खे माना हेव इस्तेमालु थींदो आहे प्रेज़ेंट लाइ हेड इस्तेमालु थींदो आहे पास्ट लाइ हेव प्रेज़ेंट लाइ हेज प्रेज़ेंट जे लाइ ऐं बिन जेको इंडिकेट करे थो त इहो एक्शन हले थो वेठो बी ऐं बिन हले थो वेठो। इहे ऑक्ज़िलरीज़ वर्ब आहिनि ऐं ऑक्ज़िलरी वर्ब्स तव्हांखे टाइम ॿुधाईंदा आहिनि या मूड ॿुधाईंदा आहिनि टेंस जो जीअं केन कुड शुड मूड ॿुधाइनि था ऐं इज़ एम आर वॉज़ वर विल बी शल बी हैव हैड इहे वरी तव्हांखे टेंस जो टाइम ॿुधाइनि था ठीकु आहे। आई एन जी फॉर्म जेको लॻे थो इहो वरी इंडिकेट करे थो त एक्शन हले थो ऑन गोइंग आहे। सो वरी एग्ज़ाम्पल्स ॾिसूं था ही ॿ आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स शी हैज़ बीन वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे ठीकु आहे दोस्तों। सो शी थी वियो सब्जेक्ट हैज़ थी वियो वर्ब ऑक्ज़िलरी बिन बि थी वियो ऑक्ज़िलरी वर्किंग आई एन जी फॉर्म थी वियो वर्ब जो ऐं इन द गार्डन ऑल द डे वरी उहे लफ़्ज़ जेकी वरी जुमिले जी माना कंप्लीट करण लाइ इस्तेमालु थियनि था। सो वधीक अॻियां वधण खां पहिरीं बहितरु आहे त हीअ एक्सरसाइज़ कयो वीडियो खे पॉज़ कयो एक्सरसाइज़ कयो पोइ वरी अचो बाक़ी वीडियो कंटिन्यू कयो।
हमने ॾिसूं था त हाकारी माना अफर्मेटिव में, नेगेटिव में ऐं इंट्रोगेटिव माना सवाल में इहे जुमिला कीअं ठहंदा इन टेंस जा. सो अफर्मेटिव में थींदो सब्जेक्ट, पोइ हैव बिन, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐं पोइ रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, ॿिया ॿिया लफ़्ज़ जेके जुमिले खे कंप्लीट करण लाइ इस्तेमालु थियनि. सो सेंटेंस थींदो आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, या दे हैव बिन प्लेइंग सॉकर सिंस मॉर्निंग. पर जॾहिं नेगेटिव कंदासीं त हैव खां पोइ नॉट लॻंदी, ठीकु आहे. ऐं जे कंट्रेक्शन कंदासीं माना हैव ऐं नॉट खे गॾाईंदासीं त हैवंट थी वेंदो. सो जुमिलो थींदो आई हैवंट बीन वॉचिंग टी वी ऑल डे, या आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टी वी ऑल डे. दे हैवंट बीन ईटिंग जंक फूड लेटली, या दे हैव नॉट बीन ईटिंग जंक फूड लेटली. इंट्रोगेटिव में कीअं थींदो, जेको हैव या हैज़ आहे उनखे जुमिले जे बिगनिंग में खणींदासीं. हैव यू बीन स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम, has she been talking, has she been taking her medicine regularly, theek a ye thi vya tahanja interrogative sentences. ane hi jeko hai asa par sikhun tha time expression in sagad je ta ke budhayam ta for istemal the tho ya since istemal the tho. for asa tar istemal kanda si jade asa ke time jo period khabar hundo, mana je 5 mahina, 6 mahina, 2 saal, 2 years, 3 years, 1 month, 2 centuries, 2 decades, उन सां गॾु फॉर इस्तेमालु थींदो. बाक़ी जेके सिर्फ़ु टाइम इंडिकेट थियलु हुजे, जीअं यस्टरडे 1947, 2007, जनवरी, मंडे, उन्हनि सां गॾु वरी सिंस इस्तेमालु थींदो, छो जो उन उहा वरी ड्यूरेशन इंडिकेट नथो करे. ठीकु आहे, जुमिला ॾिसी था वठूं. आई हैव बिन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, माना जेको इहो कमु आहे 5 कलाकनि खां पियो हले थो. पर जेकॾहिं तव्हां इहो जुमिलो पास सिंपल में ठाहींदा थींदो आई वर्क फॉर 5 आवर्स, माना इहो कमु माज़ी में स्टार्ट थियो, माज़ी में ख़तमु थी वियो. पास सिंपल जेको आहे इस्तेमालु थींदो आहे, वरी तव्हांखे हिकिड़ो दफ़ो ॿुधायां त अहिड़नि कमनि जे लाइ जेके माज़ी में शुरू थिया ऐं ख़तमु थी विया, प्रेज़ेंट सां उन्हनि जो को तालुक इंडिकेट नथो थिए टेंस में या सेंटेंस में. आई हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, हाणे इहो थी वियो त इहो पहिरीं खां स्टार्ट थियो, अञा हले थो वेठो, ऐं इंडिकेट करे थो ड्यूरेशन, ऑनगोइंग एक्शन. ठीकु आहे, ड्यूरेशन ख़बर पए थी सिंस लास्ट ईयर सां, माना टाइम ख़बर पवे थो सिंस लास्ट ईयर खां. हीअ बि एक्सरसाइज़ आहे, वीडियो खे पॉज कयो, हीअ एक्सरसाइज़ कयो, पोइ वरी वापसि अचो, बाक़ी वीडियो बि कंटिन्यू कयो. ठीकु आहे, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस टेंस, हीअ जेको टेंस आहे प्रेज़ेंट परफेक्ट खां कीअं मुख़्तलिफ़ आहे. प्रेज़ेंट परफेक्ट में बि हैव इस्तेमालु थिए थी, ठीकु आहे, उन सां गॾु बि थर्ड फॉर्म इस्तेमालु थिए थो, ठीकु आहे. पर प्रेज़ेंट प्रोग्रेसिव में वरी आई एन जी फॉर्म बि यूज़ थिए थो थर्ड फॉर्म खां पोइ, जीअं हैव बिन थी वियो थर्ड फॉर्म, पोइ वरी आई एन जी फॉर्म इस्तेमालु थिए थो, ठीकु आहे. प्रेज़ेंट परफेक्ट कमु उहो एक्सप्रेस करे थो जेको ख़तमु थी चुको आहे, पर प्रेज़ेंट सां उनजो तालुक़ु आहे. पर प्रेज़ेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव वरी ॿुधाए थो त कमु ख़तमु न थियो आहे, अञा हले थो, उनजो रिलेवेंस अञा आहे प्रेज़ेंट सां, ऐं कमु बि हले थो. इहो जुमिलो आहे आई हैव वर्कड हियर फॉर 5 ईयर्स, आई हैव बिन वर्किंग फॉर 5 ईयर्स. हाणे जेको ॿियो जुमिलो आहे उहो इहो थो ॿुधाए त अञा कमु हले थो. ठीकु आहे दोस्तो, हाणे ॿिया एग्ज़ाम्पल्स ॾिसूं था. शी हैज़ कुक्ड डिनर, माना इहो कमु ख़तमु थी चुको आहे, ठीकु आहे. रिसेंटली बि चीज़ इनजी माना इहो थी, हाणे रिसेंटली ऑलरेडी. She has been cooking dinner. इन जी माना इहा आहे त अञा कमु इहो जारी आहे. हाणे इन में फॉर या सिंस न बि इस्तेमालु थिए त माना इन जी इहा निकिरंदी कंहिं ख़ासि टाइम खां, कंहिं ख़ासि ड्यूरेशन खां इहो कमु हले थो पियो, ठीकु आहे. इन जो सिंधी सब्स्टिट्यूट छा थींदो, कॾहिं कॾहिं पाण सब्स्टिट्यूट ठाहींदा था आहियूं, पर बहितर इहो आहे त न ठाहिजनि, इंग्लिश खे उतां जी स्ट्रक्चर मुताबिक़ सम्झो, ऐं उन सेंटेंस जे पुठियां माना छा आहे, इहो इस्तेमालु कीअं थिए थो, बहितर आहे त उहो सम्झो, बजाए इन जे जो तव्हां उनखे ट्रांसलेशन सां फिक्स कयो. ट्रांसलेशन सां फिक्स कंदो त घणी कन्फ्यूजन थी वेंदी. अच्छा, ग़लतियूं असां कहिड़ियूं कहिड़ियूं कंदा आहियूं. असां कॾहिं कॾहिं छा कंदा आहियूं त प्रेज़ेंट सिंपल ऐं पास सिंपल ऐं प्रेज़ेंट परफेक्ट खे न सम्झंदा आहियूं त कहिड़ो किथे इस्तेमालु कजे. सो इन्हनि ॿिन्ही जो इस्तेमालु सम्झजे, सही इस्तेमालु कजे, या वरी कॾहिं कॾहिं वरी इनखे कंफ्यूज कबो आहे प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस सां बि, जेको असां हाणे सिखियासीं. या वरी ऑक्सिलरी सही तरह इस्तेमालु न कबी आहे, बिन इस्तेमालु न कबो आहे. आई हैव
वर्किंग करे चल बात वो भी गलत थी दो या वरी आईएनजी न लगाए जे तो वह भी गलत थी सो इन गलतियों के अवॉइड कजे इन जो इस्तेमाल सही तरह समझ जे तो बेहतर है। ये वरी एक्सरसाइज है ताकि लास्ट एक्सरसाइज है वीडियो रोको एक्सरसाइज कर वो वरी कंटिन्यू कर सो अज अस सीखियासी तो जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है कें ड्यूरेशन के इंडिकेट करने लाइ इस्तेमाल थे तो इनमें हैव एंड बीन इस्तेमाल थे तो प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल थे तो आईएनजी फॉर्म वर्ब जो इस्तेमाल थे तो मिसाल वरी दिसी दा वठूं आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years शी हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे ठीक है इनमें कॉमन गलती ये थी तो अस आईएनजी इस्तेमाल न क्यों या हैव से गड बीन इस्तेमाल न क्यों या वरी इन जो टेंस जो गलत इस्तेमाल क्यों माना जिते जरूरत हो इन टेंस की उन जगह से असा वरी पास्ट सिंपल या पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर सो इन के समझण तमाम लाजमी है छो जो तवा जो गालियों बेन टेंस में एक्सप्रेस थी वेंदी पर जो यो समझौ तो एक्यूरेटली सही तरीके से ती ग चई सकंदा सो दैट्स इट दोस्तों अज अस सिर्फ एतरी सीखियासी ही मुझा सोशल मीडिया लिंक्स इतने कनेक्ट थो थैंक यू सो मच दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन लाइक एंड कमेंट भी जरूर कर बाय गाइस थैंक यू सो मच।